हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो काफ़ी टाइम से आप लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कुछ हिस्ट्री की डिमांड कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियोस को नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैंने कमेंट्स आपके मुश्तक आ चुके हैं, मेरी टीम्स ने, और मैंने कुछ खुद भी कमेंट देखे हैं। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए, आपकी MCQs हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। और क्योंकि हिस्ट्री में जो डेटा है वो किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एज इट इज़ तो मैं नहीं कहूँगा, एज इट इज़ कुछ डेटा वाइज जो डेट वाइज होते हैं वो तो डायरेक्ट आ जाते हैं, बट इन क्वेश्चंस में से भी एग्जामिनर जो है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मतलब टॉपिक यही रहेगा, क्वेश्चंस को उसने लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट कर दी और आपके सामने वही क्वेश्चन सामने यहाँ पे रख दिया। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और यहीं पे हम डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, हु इनिशिएटेड द मूव फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए, ए ओ ह्यूम। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आई थिंक आप लोग सभी ने हिस्ट्री जब स्टार्ट की होगी तो ये आप लोग जानते ही हैं, और स्टार्ट हो जाता है शुरुआती क्लासों से, 9, 10 से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अगर आप इंस्टेंट इन सवालों के आंसर मेरे कमेंट सेक्शन से भर देते हैं, दैट मीन्स मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और याद रहे, अगर आपको इस स्टेज पे अगर कोई चीज़ें सोचने की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा या तो आपकी प्रिपरेशन में गड़बड़ है या फिर आपने उन टॉपिक्स को देखा ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जो छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आंसर आपका 1885। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू मॉडरेट ग्रुप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। जलियांवाला बाग मसाकरे टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ? ये तो आप फिर सभी जानते हैं, तो आप लोग इसका आंसर बता ही देंगे। आंसर है आपका अमृतसर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वॉज? ठीक है, तो ये मुझे बताइए कि किसने किया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा सर्च करके मुझे बताएंगे। ठीक है, गांधी दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था सब लोग जानते हैं, अहमदाबाद। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज एडॉप्टेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट? आंसर है बॉम्बे। किंग जॉर्ज वी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉय ऑफ? ये बात ये कही जा रही है कि जो किंग जॉर्ज ने विजिट किया इंडिया, तो उस टाइम जो वाइसरॉय कौन था? तो आंसर है यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग्स। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? आंसर है ऑप्शन बी। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज? तो क्यों कर रहा था? आंसर है आपका बी ऑप्शन, ही डिड नॉट वॉन्ट टू द मूवमेंट टू टर्न अप वायलेंट। ठीक है, कुछ हिंसक रूप में कन्वर्ट करना नहीं चाहते थे, इसी वजह से क्विट किया। ठीक है, सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, बट क्वेश्चन बहुत बेसिक्स होते हैं इस टाइप के, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो भी लोग जहां भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इंस्टेंट पिक कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और करेक्ट आंसर मुझे बताइए। ठीक है, और ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोचिए कि कौन सा ईयर किससे मैच कर रहा है। आगे चलते हैं। 1942 द क्रिप्स मिशन प्रॉमिस टू ग्रांट? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 15 है, द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 फेल्ड ड्यू टू, तो किस वजह से हुई थी? जो लोग बीए हिस्ट्री हिस्ट्री में चाह रहे हैं तो ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द पीरियड, क्वेश्चन नंबर 16, आंसर है ए। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, क्वेश्चन नंबर 17 है, बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द पीरियड 1774 एंड 85, यानी इस पीरियड में कौन गवर्नर जनरल था? तो आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ, ये कई बार पूछा गया है, ब्राह्मो समाज। विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीजिएटली प्रोसीडेड द जलिया वाला बाग मसाकरे? तो आंसर है ऑप्शन बी, द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल अंडर लॉर्ड कर्सन टुक प्लेस इन। यहां दो क्वेश्चन है, पहला सवाल तो ये है कि किसके अंडर, तो इसमें पहली बता दिया लॉर्ड कर्सन, अब दूसरा है ईयर, तो दो क्वेश्चन है, आंसर है आपका यहाँ पे 1905। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप एमयू और जामिया की इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेट टू द एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमने अपने कोर्सेज बनाए हुए हैं। इन कोर्सेज में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको मिलेंगी। तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारी एप्लीकेशन को एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए, अगर पसंद आता है तो आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग बाय द ब्रिटिश आफ्टर द सिपाही मिटनी? ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 का, जो सही आंसर है वो है आपका तांत्या टोपे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इट्स सेशन हेल्ड एट, क्वेश्चन नंबर 23, आंसर है लाहौर। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड बाई, क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर है आपका लोकमान्य तिलक। द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वॉज रेस्ड बाई, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन है यहाँ पे बी, भगत सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट ब्रिटिश वाइस रॉय एज वेल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, ये मैंने अपने कोर्सेज में बताया हुआ भी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई गांधी आफ्टर द, तो आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 को मैं नहीं बता रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और मैच करके आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर्स जो है वो सही है? तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसे है 1 एंड 4, 2 एंड 3, तो इसको आप चेकआउट कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताइए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर जिसने हिस्ट्री को सही से किया हुआ है तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर दिखाई देंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अंडरटेकन विद द व्यू टू, क्वेश्चन नंबर 31, आंसर है यहाँ पे डी, डिवाइडिंग हिंदू ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल एंड इन इंक्रीजिंग हिंदू मुस्लिम टेंशन। लॉर्ड वेलेस्ले ग्रेटली एक्सटेंडेड द ब्रिटिश डोमिनेंट थ्रू, ऑप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ, सब्सिडरी अलायंस, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड लास्ट एनेक्सिंग प्रिंसली स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गांधी स्टार्टेड द डांडी मार्च, गांधी ने डांडी मार्च जो स्टार्ट किया था क्यों किया था? टू ब्रेक साल्ट लॉ। द सिपाही मिटनी फेल्ड ड्यू टू, क्यों फेल हुई थी? ऑप्शन है यहां पे ऑल ऑफ दीज, तो ये चारों ऑप्शंस को देख लेना एक बार सही से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी? ये तो आपको पहले से पता भी होना चाहिए और शायद अभी आपने देखा भी है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है बी, चोरी चोरा इंसिडेंट, आपने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन देखा था, बस लैंग्वेज देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट हो गई। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मॉडरेट, तो क्वेश्चन नंबर 36 बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 37
इसके रिगार्डिंग मैंने अपने कोर्सेज में डिस्कस किया था, इसके बारे में डिटेल में आंसर कीजिएगा। जो लोग मेरे कोर्सेज में हैं उन लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपने इसको टॉपिक को सही से देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, और अगर आपने स्किप किया है तो आप फिर से सोच लीजिए कि क्वेश्चंस एग्जामिनर वो फ्रेम कर देता है जो आप लोग छोड़ देते हो। द फर्स्ट सत्याग्रह कंपेन ऑफ गांधी वॉज स्टार्टेड इन, क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो है आपका चंपारण। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, खुद से कॉपी पे लिख के और ट्राई कीजिएगा। और ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से आप एक सीरीज बनाते हो, एक तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हो और सारी चीज़ों को कनेक्ट कर देते हो। कनेक्शन आपने सही कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में वो मेमोराइज हो जाती हैं और उससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन भी आपको याद हो जाते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताइएगा मुझे, इसका तो मैं उम्मीद करता हूँ बताई देंगे। रिंग फेंस इज एसोसिएटेड विद, क्वेश्चन नंबर 41, आंसर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, सूत्रादि मेंशन इन द ऋग्वेदा इज, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है द नेम ऑफ द रिवर। अ बोर्ड ऑफ कॉपर इमेजेस जनरली असाइन टू द हरप्पन कल्चर बेस हैज बीन फाउंड एट, तो आंसर है 43 का, दाइमाबाद। अबाउट द 5th century BC, द इंडियन सेट्रापी वॉज पेइंग एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 320 तोलास ऑफ गोल्ड टू, तो आंसर है पर्शिया। क्वेश्चन नंबर 45 सर्किल कर रहा हूं, कमेंट में बताइए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड इंडियन सोल्जर मोस्टली फ्रॉम, आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का, वो है आपका सी, गोरखा सिख एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ। अकबर्स बिल्डिंग एट फतेहपुर सीकरी आर फेमस फॉर, क्यों है फेमस, वो है ऑप्शन ए। अमंग द फॉलोइंग साइट्स स्कल्पचर एविडेंस रिगार्डिंग द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म हैज कम फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 48, आंसर है बी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 49, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। अशोकास कंटेम्प्रेरी ग्रीक ग्रीक किंग ऑफ सीरिया मेंशन इन हिज एडिक्ट वॉज, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ए ऑप्शन। बिफोर कमिंग टू अकबर कोर्ट्स मिया तानसेन वॉज इन द सर्विस ऑफ, आंसर है राजा ऑफ जयपुर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है, तो यहाँ से थोड़ा सा एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद इस पे बिहाफ पे जो है क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को समझिए और आंसर कीजिए। 53, ड्यूरिंग अकबर जीन द लैंड वॉज कल्टिवेटेड एवरी ईयर एंड वॉज नेवर लेफ्ट फेलो वॉज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 53, आंसर क्या है ऑप्शन ए, पोलज। ड्यूरिंग द 13th and 14th century पीजेंट्स इन इंडिया डिड नॉट कल्टिवेटेड, आंसर है मेज। ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर द जाट्स वर ऑर्गेनाइज इन टू अ पॉलिटिकल फोर्स बाई, आंसर है सूरज माल। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धना द फील्ड्स वर वॉटर्ड बाई द प्लॉट्स बाई द पॉट्स ऑफ घाटी यात्रा दिस इज नोन फॉर्म द राइटिंग ऑफ, क्वेश्चन नंबर 56, आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूनसांग। क्वेश्चन नंबर 57 का कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, सेम क्वेश्चन नंबर 58 का भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, और क्वेश्चन नंबर 59 का भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ह्यून सांग फाउंड जैनिज्म फॉरिशिंग इन, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आप लोगों के समझ में आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर मुझे बताइए। इब्राहिम खान गार्दी वॉज एन इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर ऑफ, किसका था, क्वेश्चन नंबर 61, आंसर है पेशावा बालाजी दाजीराव, ठीक है। इन 1751
अली वर्दी वर्चुअली सेडिड ओरिसा टू. क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रघुजी भोसले. इन एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया अनकल्टिवेटेड एंड अनटैक्स लैंड वर कॉल्ड, क्या कहा जाता था? बहुत ही अच्छा सवाल है. ऑप्शन सी. इन एंशियंट इंडिया द प्रोफेशन ऑफ करावारा इन्वॉल्व वर्क. क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है ऑप्शन बी, लेदर, इन लेदर. ठीक है. एंड द इंडियन द एंशियंट इंडियन सोशल स्ट्रक्चर द टर्म अनिरवस्थ्या वॉज रिलेटेड टू. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सी टर्म किससे रिलेटेड है. तो 65 का जो आंसर है वो आया ऑप्शन नंबर सी, सुद्रास ओनली. इन मार्च 1784 द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज कंडक्टेड मेनली एट द इंसिस्टेंस ऑफ. क्वेश्चन नंबर 66 आंसर है लॉर्ड मैकार्टने. In the early decades of Maratha rule, the most popular unit of land revenue measurement was. So, कौन सा था? Question number 67. Answer है काठी. In the late 17th and early 18th century, the export of Indian opium to the Indonesian archipelago was dominated by. 68 का question का जो answer है वो आपका Dutch East India Company है. क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 70 भी आप बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है. जिसने थोड़ा सा भी इनडेप्थ हिस्ट्री करी हुई है वही सवाल का आंसर मुझे बता पाएगा. क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं और ये भी आप मुझे बता ही दीजिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 72. जीवाका मेंशन इन द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज. क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फिजिशियन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 74, अगेन आई एम सर्कलिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू. लैंड रेवेन्यू इन द विजयनगर किंगडम रेंज फ्रॉम. क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ऑप्शन बी. ये एज पर द ऑप्शन अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन आंसर है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 76, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आप ही लोगों को छोड़ रहा हूं, देख के आप इसको रोकिएगा वीडियो को, आगे चलिएगा. क्वेश्चन नंबर 77 इज फॉर यू. ये सभी आपके लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 78, ओके. और देखिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो मैं यहाँ इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. 79, 80 या इसको रोकिएगा वीडियो को, पॉज कीजिएगा और ये वीडियो में जो नोट्स हैं आपको मेरे कोर्सेज में मिल जाएंगे. ठीक है. तो ये सभी क्वेश्चंस अब आप लोगों के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है. इस वजह से हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को अगर आप सही से देखेंगे तो आपको ये जो फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको माइंड को रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि कौन सी चीज़ किससे एसोसिएटेड है. इस वजह से ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं. तो अप टू 100 क्वेश्चन तक मैं रुकूंगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर फर्दर बात करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 87 है, इसको भी मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 88, मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद चाइना वॉज एबॉलिश बाय द चार्टर एक्ट ऑफ. क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 89 इज फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 90, कुतुबुद्दीन ऐबक इज सेड टू हैव बिल्ड बिसाइड्स द कुतुब मॉस्क एंड कुतुब मीनार. क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ऑप्शन ए. राज बल्लभ हस्ती बेगम शौकत जंग वर द आर्च फोर्स ऑफ. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है. 91 का आंसर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला. रिलीजन वाइज द स्कल्पचर ऑफ स्कल्पचर फाउंड एट कंकाली तिला इन मथुरा आर. तो 92 का आंसर है जैना. ऋग वैदिक पीपल इनवोक्ड इंद्रा फॉर. क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर है डी. अब इन क्वेश्चंस को मैं इसलिए इनडेप्थ डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी अभी इतना टाइम नहीं है और आप लोग ऑलमोस्ट तैयारी कर चुके हैं. ठीक है. इस वजह से सिंस 1858 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया वर वाज वेस्टेड इन द. क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट. सरमाना इज पेयर्ड इन अर्ली सोर्सेज विद. क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 96 इज फॉर यू.
मैन इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लिव्ड इन अंडरग्राउंड पिट्स इज सजेस्टेड बाई एक्सकेवेशन इन, क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है यहां पे ऑप्शन है बी कश्मीर. द बाल खालसा वॉज फाउंडेड बाई, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है आपका बी ऑप्शन कपूर सिंह. द बैटल ऑफ कोपन वॉज फाउंड बिटवीन, किस किसके बीच में हुई थी, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है आपका बी द वेस्टर्न चोलक्यास एंड द चोलास. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द बेस नगर इंक्रिप्शन ऑफ हेलिडोरस रिफर टू, क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है आपका वासुदेवा ओनली. तो ये थे टॉप 100 MCQs हिस्ट्री के. आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.